चैनल हैप्पी होममेकर अम्मी, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ फालूदा। तो फालूदा के लिए मैंने ये जो प्रीमिक्स आता है वही पैकेट लेकर मैं आई हूँ बाजार से। तो आप देख सकते हैं कि ये सुपर जो कंपनी है उसका पैकेट है, और ये नट बटर स्कॉच फ्लेवर का फालूदा का पैकेट है, और ये बहुत सारे इसमें अलग अलग फ्लेवर्स के फालूदा के पैकेट्स है। जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह का पैकेट है वो ले सकते हैं। और इसमें कुछ भी हमें ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आधा लीटर दूध में ये पैकेट है वो हमें मिला देना है, और इसको ठंडा कर फिर हमें इसे सर्व करना है। अगर आप चाहें तो ऊपर से आइसक्रीम भी इसमें मिला सकते हैं। और ये जो सुपर की कंपनी है उसके कई सारे इस तरह के प्रीमिक्स के पैकेट आते हैं, जैसे कि केक है, कपकेक है, आइसक्रीम के है। तो वो सभी मैंने, आइसक्रीम का जो पैकेट है वो मैंने यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा आता है। तो ये जो फालूदा का पैकेट है उसमें सभी इंस्ट्रक्शन इस तरह से इसके पीछे लिखी हुई है कि इसमें हमें क्या क्या डालना है और किस तरह से इसको हमें बनाना है। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, कोई भी झंझट इसमें ज़्यादा हमें नहीं करनी पड़ती है। तो कभी कभी इस तरह का भी मतलब कुछ पैकेट हम ले तो अच्छा रहता है। और ये 40 रुपीज़ इसमें इसकी जो प्राइस है वो लिखी हुई है, मगर मुझे आई थिंक 35 रुपीज़ में ये पड़ा था, मैंने ये मॉल से लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बनाते हैं ये फालूदा मिक्स। तो सबसे पहले इसके लिए हम दूध उबाल लेते हैं आधा लीटर। तो यहाँ पर ये मैंने आधा लीटर दूध है वो उबालने के लिए रख दिया था। इसमें लिखा था कि इसमें हमें आधा कप पानी मिला लेना है, तो मैंने वो भी मिला लिया है। और हमें शुगर इसमें नहीं मिलानी है। जो पैकेट है वो हम खोल कर देख लेते हैं। देख सकते हैं कि ये जो पैकेट है वो इस तरह का है, और इसमें सभी चीज़ें हैं वो मिली हुई हैं। शुगर भी दिख रहा है, इसमें चिया सीड्स है, तो सभी चीज़ें इसमें मिली हुई है। हमें ये जो पैकेट है वो सिर्फ दूध में मिक्स कर देना है। ये जो मिल्क है वो उबलने लगा है, अब हम इसमें जो ये मिक्स है हमारा फालूदा का वो डाल देंगे, और इसको हमें 5 मिनट तक उबलना है, और फिर जब ठंडा हो जाए तब इसे हमें फ्रिज में रखना है। अब हमारा जो फालूदा है वो एकदम ठंडा हो गया है, इसे मैंने 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रखा था। तो ये ठंडा हो तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बस अब इसे हमें सर्व कर लेना है एकदम ठंडा ठंडा। यहाँ मैंने वेनिला आइसक्रीम लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम ले सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी टूटी फूटी डाल दी है, गोल्डन बॉल्स डाल दिए हैं, आप चाहे तो जेली भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।